देखियो, तुम्हारे केस में ना बहुत दिक्कतें हैं। तुम एक काम करो, कुछ पैसे का बंदोबस्त करो, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। ठीक है? चल चल। बैठी नमस्ते। बैठी बैठी। नमस्ते सर, आपका बहुत नाम सुना है। वो मेरे पति वो जेल में है पिछले 6 महीने से। उन पर झूठा आरोप लगाया गया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। सर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सब कुछ उनके खिलाफ है, इसलिए उन्हें बचा नहीं पा रही हूँ। फाइल लाए उसका? हाँ सर। सर देखिए क्या क्या आरोप है। बहुत सी धाराएं लगी हैं। हाँ केस किस बड़ा टिफिकल है सर। सर वो निर्दोष है, मैं कह रही हूँ सर। हर मुजरिम निर्दोष होता है, लेकिन निर्दोष साबित करने के लिए तो कुछ चाहिए ना। मेरी फीस फिलहाल 25 लाख रुपए है, अब मेरी फीस भर सकते हैं? सर मेरे पास तो 25,000 भी नहीं है। 25 लाख तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर मैं पाई पाई चुका दूंगी, एक एक पैसा चुका दूंगी सर। वो क्या है ना, 6 महीने से वो जेल में है, बच्चों की फीस, वो घर के खर्चे खर्चे हो गए सर, पर मैं चुका दूंगी। अब भगवान है सर, मेरे पति को बचा लीजिए बस। मोहतरमा देखिए, बिना पैसे के तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सर सही है आप, पर मैं अपने पति के बिना, सर कुछ कीजिए ना। आप क्या कर सकते हैं आप बताइए। सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर लूंगी सर, पर उन्हें उन्हें छुड़ा लीजिए सर। ठीक है। रामलाल ये फाइल आगे पहुंचा दो। क्या कर सकते हैं आप बताइए। सर एक एक पैसा चुका दूंगी सर, 25 लाख। आपके घर में काम करूंगी सर। पैसा तो आपके पास है नहीं, चुकाएंगे कहाँ से? और आगे बताइए। मतलब सर आप अंदर पहुंचिए, मतलब हम आ गए, अंदर बताते हैं। आपके पति बहुत जल्द छूट जाएंगे। छूट जाएंगे ना? पक्का। चलिए आप पहुंचिए। कहाँ से लिखा था ये? कहाँ से लाया?